भारत है जिसकी दोस्ती अमेरिका से कहीं कम नहीं दिखती, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका है जो इन दिनों आग बबूला हो रहा है। जी हाँ, भारत की एक डील ने इन दिनों अमेरिका की नींद उड़ा दी है, जिसको लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर एक डील हुई है। भारत की इस डील को चीन और पाकिस्तान के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन भारत ईरान की इस डील से अमेरिका आग बबूला हो गया है। ईरान के साथ डील करने पर अमेरिका ने बैन की धमकी दे दी है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ बिजनेस डील करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का रिस्क उठाना होगा। भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर एक अहम समझौता किया है। समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का सारा कामकाज भारत संभालेगा। ये समझौता भारत की इंडो पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। IPGL को भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह को संभालेगा। इस समझौते के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान गए थे। ये समझौता रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के रास्ते खोलेगा। इस डील के तहत भारत की IPGL 12 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। भारत पहले से ही चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभाल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट था। इसे समय समय पर रिन्यू करना पड़ता था, पर अब 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट हो गया है। चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभालने के लिए भारत और ईरान के बीच 2016 में समझौता हुआ था। नया समझौता अब इसकी जगह लेगा। चाबहार पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज से काफी अहम बनाती है। चाबहार जहां स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और ये पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के भी नजदीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत भी बढ़ गई। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत ईरान अफगानिस्तान आर्मेनिया अजरबैजान रूस मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। मगर ईरान के साथ डील करने पर अमेरिका आग बबूला हो गया है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ बिजनेस डील करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का रिस्क उठाना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बीते कुछ दशकों से अच्छे नहीं है। ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानता है, वहीं अमेरिका ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। यही वजह है कि जब भी कोई देश ईरान के साथ कोई समझौता करता है तो उससे अमेरिका को दिक्कत होती है। अमेरिकी गृह विभाग के डेप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा है कि चाबहार पोर्ट को लेकर की गई डील और ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भारत बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है तो ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।